सिद्धांवाला के इलाके नारंग मंडी में इंसानियत सोज वाह क्या रोनमा हुआ। 4 साल मासूम बच्ची जो घर से चीज़ लेने के लिए निकली और मोहल्लेदार ने ज़बरदस्ती उठाकर ज़्यादती का निशाना बना डाला। घर में कहराम और क़्यामत का समा तब बरपा हुआ जब बच्ची की माँ ढूंढती हुई वहाँ पहुँची और बच्ची खून में लथपथ और बरहना हालत में देख कर गशी के दौरे पड़ने लगे। जान वाला है ना कोई पहचान वाला, रोज कोई ना कोई हादसा रून माता है, तो ऐसा ना हो कोई बोरी में डाल के ले जाए या कोई बरगुला के ले जाए। वो खुदा शाह जानता है, इसी वजह से मैं लाहौर से गांव शिफ्ट हुआ हूँ कि मेरे बाजदाद हैं, बड़े हैं इधर, चाचे बाबे सारे हैं, तो कम से कम मुझे तहफ़ रहेगा। मुझे ये तो पता ही नहीं था कि ऐसा होगा। सब्जी ले आएंगे ऐसे भाई भाई, सब्जी ले आने भेजे ऐसी कार नहीं सी आई है। फिर उन्होंने मुंडे ने चावल दे के पुजे, चावल ही गेड़े वो दे के ने मेरी बच्ची दी बाग के चली उन्हें तो अभी उसके घर में से कोई उसके भाई वगैरह कुछ चचा लोग वो पकड़ा है, लेकिन अभी जो लड़का है ना वो मुलजम जो है ना वो अभी फरार है। के बढ़ते हुए वाकयात में वालदैन और हवा की बेटियां अपने आप को गैर महफूज समझने लगी। वालदैन और हवा की बेटियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि ऐसी दरिंदगी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि माशरे में बचियां महफूज रह सके। कैमरामैन नईम अब्बास के हमरा शहबाज़ भट्टी फिरोज़वाला।